इस वक्त उत्तर प्रदेश समेत देश के 5 राज्यों में विधानसभा के चुनाव हो रहे हैं और इस बीच कर्नाटक से उठा हिजाब विवाद अब पूरे देश में फैल चुका है। देश भर में इसके समर्थन में प्रदर्शन हो रहे हैं, इस पर सियासत भी खूब हो रही है, साथ ही दो विचारधाराओं का टकराव भी बढ़ता जा रहा है। खास बात यह है कि अब इस मुद्दे पर बॉलीवुड की कई हस्तियां खुलकर अपनी राय रख रही हैं, लेकिन इस बीच ट्रोलर्स ने पूर्व भारतीय क्रिकेटर इरफान खान को भी नहीं बख्शा। पठान ने सोशल मीडिया पर एयरपोर्ट की एक तस्वीर शेयर की जिसमें उनका बेटा और बीवी सफा बेग नजर आ रही हैं। पठान ने लिखा कि बेटे की ये पहली हवाई यात्रा रही। तस्वीर में उनकी पत्नी सफा ने हिजाब पहना है और इसी को लेकर लोग ट्रोल करने लगे। ट्रोलर्स ने इसे कर्नाटक के स्कूल और कॉलेजों में हो रहे हिजाब से जोड़ते हुए कहा कि उन्हें इस समय इस तरह की फोटो शेयर नहीं करना चाहिए। एक यूजर्स ने लिखा, इरफान भाई तुमसे ये उम्मीद नहीं थी, गलत चीजों का समर्थन ना करें। इससे पहले हिजाब विवाद पर बॉलीवुड की दो बड़ी हस्तियों में ट्वीट वार हो गया। शबाना आजमी ने ट्वीट कर कंगना रनौत का जवाब क्या दिया, सोशल मीडिया पर काफी ट्रेंड हो रहा है ये ट्वीट। आखिर कंगना ने ऐसा क्या लिखा, पहले वो सुन लीजिए। कंगना ने इंस्टाग्राम स्टोरी शेयर करते हुए लिखा, अगर हिम्मत है तो अफगानिस्तान में बुर्का ना पहन कर दिखाओ, पिजड़े से आजाद होना सीखो। इस पर शबाना आजमी ने पलटवार कर दिया, अगर मैं गलत हूँ तो मुझे ठीक करें, पर अफगानिस्तान एक धार्मिक राज्य है। मैंने आखिरी बार जब चेक किया तो हिंदुस्तान एक धर्मनिरपेक्ष लोकतांत्रिक गणराज्य था। इसके अलावा एक और ट्वीट है जो खूब सुर्खियों में है। सोनम कपूर ने अपने इंस्टाग्राम पर एक फोटो शेयर कर हिजाब मामले पर अपनी राय क्या जाहिर की, इसे लेकर सोशल मीडिया पर नई बहस छिड़ गई है। एक फोटो शेयर किया और उस पर एक सवाल भी लिख दिया कि सिख युवक पगड़ी पहन सकते हैं तो मुस्लिम महिला हिजाब क्यों नहीं।